चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। और ये जबरदस्त वीडियो है क्योंकि सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो है ये, और इसमें हम सारे के सारे क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि कौन सा फोन आने वाला है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अक्टूबर मंथ में आने वाले हैं। तो ट्रस्ट में दोस्तों, इस महीने बहुत सारे फोन्स आने वाले हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, हर एक कंपनी इस महीने फोन निकालने वाली है क्योंकि अक्टूबर का महीना है, फेस्टिवल्स का महीना है, तो हर कंपनी अपना एक फोन जरूर निकालेगी। ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, सैमसंग, इनफिनिक्स, माइक्रोमैक्स, एप्पल, पोको, वन प्लस और लास्ट में आसूस। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी की सारी जो कंपनीज मैंने बताई हैं, इन सभी का एक एक स्मार्टफोन रिलीज होने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे कि जो फोन कंफर्म है वो फोन मैं आपको सबसे पहले लिस्ट में बताऊं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, क्योंकि मैं मेरे वीडियोज के लास्ट में कुछ सरप्राइजेस लेके आता रहता हूँ पेटीएम कैशबैक वाउचर से रिलेटेड। तो दोस्तों, मेरी सारी वीडियोज पाने के लिए नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी अपकमिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फोन्स की जो 100% रिलीज होने वाले हैं, जिनकी ऑफिशियल डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला फोन आता है OnePlus 8T, जो कि 14th ऑफ अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। तो दोस्तों, इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो हमें इस फोन में देखने को मिलता है प्रोसेसर, हमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो हमें यहाँ पर 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। कैमरा की हम बात करें तो 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये फोन हमें 5G नेटवर्क के साथ हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही में प्रोटेक्शन की बात करूं तो हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 हमें देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन साइज होने वाला है 6.55 इंचेस। और दोस्तों, OnePlus 8T के प्राइस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमें यहाँ पर 51,000 से 52,000-53,000 के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी है जो हर महीने अपना एक ना एक फोन जरूर 100% रिलीज करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की। तो दोस्तों, यहाँ पर Realme का हमें एक नया फोन अभी अक्टूबर में देखने को मिलने ही वाला है, और ये फोन मे बी फ्लैगशिप फोन होने वाला है, जो कि बहुत समय से नहीं आया था और जिसके रूमर्स बहुत ज्यादा थे कि ये इस महीने आएगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि ये अक्टूबर में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ Realme X3 Pro, जो कि एक फ्लैगशिप फोन होने वाला है Realme की तरफ से। तो दोस्तों, यहीं पर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पर Snapdragon 865 Plus या फिर MTK D1000 Plus हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बैटरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 45,000 mAh हमें यहाँ पर बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें सपोर्ट मिलेगा 65W का फास्ट चार्जिंग के साथ। और दोस्तों, ये मिड अक्टूबर में इसके रिलीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और दोस्तों, इसी के साथ Realme की तरफ से एक बजट फोन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है 10,000 से 15,000 के बीच में, जो कि 7i, Realme 7i यहाँ पर रिलीज होने वाला है, जिसमें हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा Snapdragon 662 और डिस्प्ले हमें यहाँ पर 90 हर्ट्ज की HD प्लस स्क्रीन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कैमरा हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलेगा, और बैटरी हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं इसके रिलीज डेट की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर मिड अक्टूबर से लेके एंड अक्टूबर के बीच में हमें फोन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, एक Realme के फोन के बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि Realme C17 बांग्लादेश में इसके पोस्टर्स लगे थे, जो रिलीज होने की बात थी वो रिलीज हो चुका है, जिसके रूमर्स बहुत ज्यादा फैल चुके हैं और वो शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो दोस्तों, 30 सितंबर को इसका एक ग्लोबल लॉन्च है MI 10T का, जिसकी सीरीज के बारे में 30 सितंबर को इसके ग्लोबल लॉन्च में बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों, Mi 10 की जो सेल स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक नवंबर में इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। अभी फिलहाल इसका ग्लोबली लॉन्च है और जल्द ही हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर Xiaomi की अगर बात चल रही है तो मैं Xiaomi के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर के एंड में हमें यहां पर Xiaomi Note 10 की सीरीज हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसका ग्लोबल लॉन्च की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी फाइनल हुआ है या नहीं हुआ ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें नोट 10 की सीरीज जल्द ही हमें देखने को मिल जाएगी। और शायद कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन पर इतना श्योर हूँ कि ये फोन जल्द ही आने वाला है, हमें 15 नवंबर से पहले हमें इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब बात करें Xiaomi के सब ब्रांड पोको के बारे में, तो यहाँ पर पोको का एक बिल्कुल बजट फोन आने वाला है, जो कि 10,000 के अंडर होने वाला है। पोको C3 या फिर पोको 9A या फिर 9i, इन तीनों नामों में से किसी एक फोन को ये रिलीज करने वाले हैं।
इसी मंथ के अंदर। तो दोस्तों ये एक बजट फोन आने वाला है जो कि 10,000 के अंडर ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं नेक्स्ट फोन की बात करने वाला हूँ जो कि क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की, जो कि हमें सबसे अच्छी क्वालिटी देता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि एप्पल का जो फोन है वो फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसका ग्लोबल लॉन्च हमें थर्ड वीक के अंदर हमें देखने को मिलेगा और दशहरा से पहले हमें ये फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है वो दिवाली से पहले सेल स्टार्ट इसकी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा बायोनिक A14 और कनेक्टिविटी हमें 5G और 4G देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हमें आईफोन 12 सीरीज में हमें 4 मॉडल हमें देखने को मिलने वाले हैं जो कि एप्पल की तरफ से हमें इस तरह मिलते हैं कि आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 और आईफोन 12 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर हमें 4 मॉडल हमें यहाँ पर इसके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारे नेक्स्ट फोन की बात करते हैं जो कि सेल्फी कैमरा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे वीवो की। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसी महीने में वीवो V20 और V20 प्रो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो फोन सिर्फ कैमरा के नाम पे जाना जाता है, जिसका कैमरा सबसे बढ़िया और सबसे क्लियरर और बिल्कुल फोकस्ड रहता है। तो दोस्तों ये फोन 15 अक्टूबर से पहले 100% रिलीज हो जाएगा, आपको ये मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा 15 अक्टूबर से पहले पहले। यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमें यहाँ पर वीवो V20 प्रो का प्रोसेसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 765G और V20 का हमें देखने को मिलता है 720G। डिस्प्ले दोनों की सेम होने वाली है 90Hz की फुल HD+ स्क्रीन। और तो यहीं पर मैं इसके बैटरी की बात करूं तो हमें यहाँ पर 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हाइलाइट्स होने वाले हैं 44MP के सेल्फी कैमरास। और यहीं पर मैं ओप्पो की बात करूं तो हमें यहाँ पर ओप्पो की तरफ से दो फोन देखने को मिलते हैं, F21 और F21 Pro। और दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ इतना पता चला है कि ये F17 से भी ज्यादा स्लीक होने वाला है, मतलब कि ये फोन और भी ज्यादा पतला होने वाला है। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज हमें फोन में यही लगती है कि जितना फोन स्लीक होता है उतना ही ज्यादा प्रीमियम फील करवाता है और इसी वजह से ओप्पो जाना जाता है। इसके बारे में रूमर्स इतने ज्यादा आ रखे हैं कि ये अक्टूबर के एंड में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में मुझे नहीं मिली है, तो जब इसकी डिटेल्स के बारे में पता लगेगा तब मैं आपको इस फोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अक्टूबर के एंड से पहले दो फोन हमें माइक्रोमैक्स की तरफ से भी देखने को मिलने वाले हैं जो कि पिछले महीने आने वाले थे, वो पोस्टपोन हो गए थे, वो इस महीने 100% आने वाले हैं। और इनकी प्राइस रेट की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से 18,000 के बीच में इन दोनों फोन की प्राइस रेंज रहने वाली है। और दोस्तों ये फोन मेड इन इंडिया होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ आने वाले नेक्स्ट फोन की जो कि हमें मिलने वाला है गूगल की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर इसका ग्लोबली लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 4a। तो दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर में ये हमें 100% हमें फोन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो भी वेट कर रहे हैं गूगल पिक्सल 4a का, तो दोस्तों तुम्हारा वेट हो चुका है खत्म, ये इसी महीने लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ लिस्ट थी जिसमें 100% जो हम श्योर थे कि इस महीने ये फोन रिलीज होने वाले हैं। तो दोस्तों एक साइड इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता दूं कि MIA4 का जो भी वेट कर रहा है, तो दोस्तों उसके लिए एक न्यूज है कि वो फोन अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि उस फोन के बारे में भी कोई भी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और जैसे ही उसकी कोई डिटेल मिलेगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे थे जिन्होंने मैसेज किया था कि A4 कब रिलीज होने वाला है, तो दोस्तों वो अभी रिलीज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इन अपकमिंग स्मार्टफोन्स के लिस्ट सिर्फ इतनी ही थी। और दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ पेटीएम के प्राइस विनर्स के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हमारे विनर्स रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो विनर सेलेक्ट किए हैं जिनको पेटीएम की तरफ से मिलेगा वाउचर, जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर हमारे दो विनर्स निकल के आते हैं, आशुतोष भारद्वाज और सैन एंड्रियास। तो दोस्तों आप दोनों मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में से मेरा मेल चेक कीजिए और मुझे मेल कीजिए, मैं आपको फर्दर डिटेल्स आपको बता दूंगा और आपको आपके पेटीएम कैश वाउचर्स आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही अगर आप इस वीडियो में इतनी लास्ट तक आ ही चुके हैं तो मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि आपको भी यही करना है कि मैंने किस ड्यूरेशन पे कौन से फोन के बारे में बताया है, वो आपको नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा, और आपको कौन सा सबसे अच्छा फोन आपको लगा इनमें से जिसका आप वेट कर रहे थे। तो दोस्तों आपका भी ऐसे ही नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आपके पेटीएम वाउचर्स आपको मिल जाएंगे, जो कि कैश पेटीएम वाउचर्स होने वाले हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।